ओके स्टूडेंट्स, अब आज की इस विजुअल बेसिक की जूम क्लास के अंदर हम इफ कंडीशन के कुछ प्रोग्राम्स और डिस्कस करेंगे। तो आप स्टार्ट इसको वैसे ही करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, विजुअल बेसिक, ठीक है। तो ये देखिए, आपके पास कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए पहले। तो आप यहाँ से ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, यहाँ से इसको आप ओपन कर लीजिए। उसको पॉज कर दें फिर। तो अब आपके पास ये स्टूडेंट, ये यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। यहां से आपने क्या चूज करना है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड ईएक्सई ओपन पे आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था, फॉर्म इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो अब आप क्या करोगे, यहां से आप प्रोजेक्ट को बड़ा कर लो, ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है। यहां से आप देखिए फॉर्म के ऊपर, अब यहां से इसको चूज कर लो, मुझे मैसेज बता के आप बता सकते हो मेरे को आप, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पे देखिए फॉर्म वन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, कैप्शन, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैप्शन। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम जो बनाएंगे, इसमें फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके अनमोल, ओके अंजू, ओके दीक्षा, गुड मॉर्निंग। अब यहां से ये देखिए, यहां से आप क्या लोगे, लेबल, जैसे मैंने आपको बता रखा है, यहां से आप एक लेबल दीजिए। आज मैं कलर वगैरह करना नहीं बताऊंगा, कलर वगैरह आप खुद कर सकते हो, डिजाइन मैंने आपको बता दिया है। एंटर द एनी नंबर, यहाँ पे आपने कोई सा भी नंबर इनपुट करवाया, यहां से आप इसका फॉन्ट का साइज आप बड़ा कर सकते हो। तो यहां से आप इसको बोल्ड कर दो, साइज आप बड़ा कर दो यहां से, ओके। अब यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो, टेक्स्ट बॉक्स में भी ओके इंद्रजीत। अब यहां से इसमें आप क्या करोगे, इसमें टेक्स्ट वन को सिलेक्ट करो, इसमें यहां पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इधर राइट साइड में देखना है। मैं टेक्स्ट के ऊपर माउस को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ से टेक्स्ट वन को आप डिलीट कर दीजिए, यहाँ से आप इसको फॉन्ट आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, इसको आप बोल्ड कर दीजिए अब यहाँ से। अब आप क्या करो, यहाँ से इसमें खाली लेबल ले लो, जिसपे आप कुछ मैसेज आप प्रिंट करवाओगे, लेबल टू। ये लेबल टू देखिए आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आएगा। अब आप यहां से क्या काम करोगे, इसके कैप्शन पे जाओ, इसे आपने ब्लैंक छोड़ दिया, इसको भी आप फॉन्ट आप क्या कर सकते हो, इसका यहां से आपने क्या किया, इसको भी आपने बोल्ड कर दिया। अब आप क्या करोगे, एक कमांड बटन ले लो अब यहां से, इस कमांड बटन पे आपने जैसे यहां से क्या लिख दिया, प्रिंट। कमांड बटन में आपने जो ये लिखा हुआ है, इसका आप साइज बड़ा करना चाहते हो, तो आप यहां से फॉन्ट पे जाओ, इस पे क्लिक करो, यहां से इसको बोल्ड कर दो। अब आप यहां से ओके पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये हमने डिजाइनिंग कर ली, ठीक है। आपने यहां से भी आपने इसका फॉन्ट का भी यहां से भी आप जो बोल्ड इतना अपने साइज यहां से बड़ा कर दिया आपने। अब इसको मैं सेव कर देता हूं खाली अभी डिजाइनिंग को। तो सेव कैसे करोगे, फाइल में जाओ, यहां से क्या चूज करो, सेव प्रोजेक्ट। यहां से आपने किस में जाना है, जैसे मैंने आपको बताया था, डी ड्राइव में जाओ। मैं आपको इजी इजी प्रोग्राम करवा रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। डी ड्राइव में जाओ, यहाँ से फोल्डर चूज करो अनिल, और यहाँ से आपने ये देखिए इसका नाम आपने क्या दे दिया, जैसे पोस्ट, सेव पे क्लिक करो। प्रोजेक्ट को भी अब आपको सेव करना होगा, इसका नया नाम दे दो, प्रोजेक्ट वन, सेव पे क्लिक कर दो अब यहाँ से इसको।
ठीक है, अब हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग किसके ऊपर करोगे आप? कमांड बटन के ऊपर। क्या हम कोडिंग करेंगे यहाँ पे? जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, dim dimension n variable as integer, n बराबर है value of text one dot text, condition आप क्या लगाओगे, if n greater than zero, अगर आपका number zero से बड़ा है then क्या print करे आपको, number is positive। ठीक है, कल मैंने इसको if और else की help से बताया था, इसको हम simple if की तरह से भी हम कर सकते हैं कि अगर आपका नंबर जीरो से बड़ा है तो नंबर इज पॉजिटिव, इस इफ को यहां बंद कर दो एंड इफ करके, इफ अगर नंबर आपका जीरो से छोटा है देन प्रिंट क्या करें यहां पे आपको, प्रिंट यहां पे क्या करें, नंबर इज नेगेटिव, फिर इसको एंड इफ करके बंद कर दो, If n बराबर है जीरो देन यहां पे हम क्या प्रिंट कर देते हैं इसके अंदर, यहां पे हम क्या प्रिंट कर देते हैं इसमें, यहां आपने प्रिंट कर दिया नंबर इज जीरो। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, रन करवा दो यहां से इस प्रोग्राम को। ये देखिए रन का बटन आपके पास आ रहा है यहाँ से, अब देखिए आपसे वो नंबर पूछता है, जैसे आप इसमें 5 नंबर डालते हो प्रिंट पे क्लिक करते हो, ये ना ऊपर आ गया फॉर्म पे, मुझे लेबल लेबल में प्रिंट करवाना था स्टूडेंट, तो जहाँ ये मैंने प्रिंट लिखा है ना प्रोग्राम, ये भी ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है आपके पास कि जैसे आपने यहाँ पे 5 लिखा ना तो ये यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा नंबर इज पॉजिटिव, अगर आप प्रिंट लिखोगे ना तो नंबर इज पॉजिटिव फॉर्म के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, बट मुझे इस लेबल में प्रिंट करवाना है जो मैंने खाली लेबल लिया था, तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था यहाँ पे क्या लिख दो, लेबल टू डॉट क्या लिखोगे, कैप्शन इक्वल टू, ऐसे सब में लिख दो, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख दो लेबल टू डॉट कैप्शन, फिर यहाँ पे भी आप इसमें लिख दो लेबल टू डॉट कैप्शन। ठीक है, अब मैं जैसे देखो इसको रन करवाता हूं, मैं अब मैंने यहाँ 5 नंबर डाला तो ये देखो नंबर इज पॉजिटिव, समझ में आया सबको, -5 डालते हो अगर आप नंबर इज नेगेटिव, और अगर आप 0 डालते हो नंबर इज 0। क्लियर हुआ सबको प्रोग्राम? ठीक है, तो ये इफ कंडीशन का मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बताया, फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, जो भी काम किया इसको सेव कर देते हैं। क्लियर हुआ सबको? अब ऐसे ही मैं देखो एक एप्लीकेशन और कवर करवा रहा हूं, फाइल में जाना है, अब ध्यान से देखिए जो स्टूडेंट अभी बाद में जुड़े हैं मेरे साथ, गुड मॉर्निंग, ओके अनमोल समझ में आ गया, दीक्षा समझ में आ गया, ओके अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ एक नया प्रोग्राम बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं इस समय तो वो देखिए कैसे हम प्रोग्राम को करेंगे। आपने कैसे करना है, फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाओ, क्या चूज करना है, डिफरेंट सारे आपके पास ये होते हैं बट आपने बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड exe चूज करना है, ओके पे क्लिक करो, अब यहां से
सब मुझे सुन पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स? मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि सब मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, तो फाइंड द एचआरए अकॉर्डिंग। ओके अनमोल, ओके गुरजस, ओके मैं अब आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके ओके इंद्रजीत, ओके मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए एचआरए अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी, ठीक है। तो यहां पे हम अगेन क्या लेंगे, यहां से आप एक लेवल लो आप इसमें। यहां पे आपने क्या किया, एंटर द बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। यहां से आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो आप। ओके दीक्षा, ओके यहां से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लो। अब इसको भी आप देखिए, यहां से फॉन्ट आप इसका बड़ा कर सकते हो। ये देखिए आपके पास बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट बुक्स का भी। अब यहां से फॉन्ट को आप इसमें बड़ा कर सकते हो। अब इस टेक्स्ट बुक्स को मैंने यहां से इसको मैं साफ कर दूंगा यहां से। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे मैं एक लेबल और ले लेता हूं जिसमें मैं क्या लिखूंगा, द एचआरए इज, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। यहां पे भी आप फॉन्ट ले लो इसको, यहां से आप बोल्ड कर दो, बड़ा कर दो इसको, ठीक है। यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो आप इसमें, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को भी मैं यहां से फॉन्ट इसका मैं बड़ा कर देता हूं। इस टेक्स्ट टू का भी मैं ऐसी फॉन्ट बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बड़े में नजर आए आपको। ठीक है, और यहां से टेक्स्ट टू को मैं क्या करता हूं इसमें से, कमांड बटन लो यहां से आप। इसके अंदर आपने यहां से क्या कर दिया, इसमें प्रिंट करवा दिया। फॉन्ट में आप जाओ, यहां से बोल्ड कर दो। फाइल में जाओ, यहां से सेव प्रोजेक्ट में जाओ, इसको सेव कर दो। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया बेसिक के नाम से, बेसिक, प्रोजेक्ट का नाम अलग दो, फॉर्म का नाम अलग दो, प्रोजेक्ट का नाम जरा नया नाम दे दो, बेसिक वन कर दो। अब ये स्टूडेंट हमने डिजाइनिंग कर ली है, अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग आप कैसे करोगे, इस पर क्लिक करो। क्या लिखेंगे हम यहां से, डिम बीपी कॉमा एचआरए एज इंटीजर। बीपी बराबर आप क्या करो यहां पे, प्रॉम्प्ट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, कंडीशन लगाओ इफ बीपी, अगर आपका बेसिक पे 2000 या उससे कम है देन एचआरए आपको मिले 200 रुपये, ठीक है। इफ के साथ आप एल्स इफ यूज करोगे, एल्स इफ अगर आपका बीपी 2000 से ज्यादा एंड बीपी आपका 4000 या उससे कम है बेसिक पे, बीपी का मतलब बेसिक पे अगर 2000 से ज्यादा और 4000 या उससे कम है, तो देखिए हमने बीच में ही हमने एंड यूज कर रखा है। तो स्टूडेंट्स में हम कमेंट भी दे सकते हैं विजुअल बेसिक के अंदर आप ऐसे, एंड क्या है, इज ए लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो जब कमेंट दोगे या ऐसे एक सिंगल कोट डाल के आप दोगे, तो यहाँ पे एचआरए आपने दे दिया 350 रुपये, बाकी जो बचे उनको एचआरए दे दिया आपने 500 रुपये, ठीक है। कितनी बार इफ लगाया है आपने इसके अंदर, 2 बार इफ लगाया है, तो 2 बार इफ को बंद कर दो। और टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया, एचआरए को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा देखिए प्रोग्राम बन गया, ये हमारी कोडिंग है, इसको सेव कर दो। रन करवाएंगे हम इस प्रोग्राम को। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 1000 रुपये, प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो देखो 200 रुपये एचआरए आ जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 3000 रुपये, क्योंकि अगर ये देखिए 3000 क्यों, यहाँ पे देखिए कंडीशन देखिए, मैं दोनों चीजें सामने रख रहा हूँ। अगर 2000 या उससे कम है, अगर मैं यहाँ पे 2000 या उससे कम डालता हूँ तो एचआरए मिलेगा 200 रुपये,
अगर 2000 से ज्यादा और यहाँ पे ये देखिए 4000 या उससे कम है, अगर मैं 2000 ज्यादा यहाँ पे 3000 रुपये डालता हूँ तो ये मिलेगा 350 रुपये। अगर मैं उससे ऊपर डालता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं 6000 रुपये डालता हूँ तो यहाँ पे एचआरए मिलेगा कितना, 500 रुपये। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये आपने करके देखने हैं यूट्यूब के ऊपर, बार बार इन लेक्चर्स को आप देखिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम विजुअल बेसिक के अंदर हम इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।